फॉलो कीजिए हमें भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। यहाँ पे आप सभी के लिए NIOS DLED ब्रिज कोर्सेज CTET टेट एग्जामिनेशन साथ ही साथ KVS की भी तैयारी यहीं पे होगी। और अगर आप सभी NIOS DLED तीसरे सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लगे हैं और आप सभी को वीडियोस अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में चाहिए, इफ़ यू वांट वीडियोस इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी, तो बिना समय गंवाए जाइए और हमारे वीडियोस को देखिए। यहाँ पे आपको 506 और 507 के काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे। कम समय में आप सभी काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी को कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को भी चेक कीजिए, उसमें आपके लिए काफ़ी लिंक्स हैं और ईबुक भी आप सभी खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप सभी के NIOS DLED रिज़ल्ट के बारे में। आप सभी ने काफ़ी प्रश्न पूछा है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, परंतु आप सभी के काफ़ी प्रश्न आ रहे थे कि सर आखिर आप बताइए कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने DLED की वेबसाइट पर जाएंगे dlead.nius.ac.in, इस वेबसाइट पर अभी आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है। अभी जो रिज़ल्ट है ये नवंबर के महीने में नहीं आएगा, रिज़ल्ट आप सभी का आएगा दिसंबर के महीने में। 506 की परीक्षा 20 दिसंबर को है, 507 की परीक्षा 21 दिसंबर को है। 10 दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 10 दिसंबर से पहले तक आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो 504 और 505 का जो रिज़ल्ट होगा ये दिसंबर के महीने में आएगा। परीक्षा से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स जो फेल कर चुके हैं या जो एब्सेंट कर चुके हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन 10 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी क्लियर समझ लें कि जो रिज़ल्ट है ये आप सभी का दिसंबर के महीने में ही आने वाला है। तो आप सभी जितने भी हमारे लर्नर्स हैं दिसंबर के लिए रेडी रहें, दिसंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट आएगा। अब रिज़ल्ट आने का इंतज़ार नहीं करना है, तैयारी शुरू कर दें क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। और अभी फ़िलहाल NIOS अपने ब्रिज कोर्स के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है, ब्रिज कोर्सेज में काफ़ी उसने देरी की है, तो उसने ब्रिज कोर्स के सारे सिलेबस को अपडेट कर दिया है ब्रिज कोर्स के वेबसाइट पे PDPET कोर्सेज के। और साथ ही साथ NIOS ने ब्रिज कोर्सेज के लिए स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल करा दिया है, जिसमें ब्रिज कोर्स के जो शिक्षक हैं ये अपना रेफरेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल के लॉगिन करके अपने अपने मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल NIOS का फोकस जो है ये ब्रिज कोर्स के ऊपर है। तो नवंबर के महीने में आपको कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा DLED की वेबसाइट पे, सब कुछ अपडेटेड आपको दिसंबर में ही मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए और अनअकैडमी पे हमें फॉलो कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी हो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, हमारे प्लस कोर्स में भी आप इनरोल करें। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2018, तो प्लस कोर्स में इनरोल कीजिए। स्वयं के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जाके देख सकते हैं 506 507 के, और बाकी सभी 5 नंबर और 10 नंबर वाले प्रश्नों को आप देख सकते हैं। सो ऑल द लर्नर्स गो एंड वॉच आवर वीडियोस ऑन अनअकैडमी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहे DLED से रिलेटेड या किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है, तुरंत उस पर क्लिक कीजिए। बगल में लाइक बटन है, लाइक बटन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। Long live India.